दोस्तों हाल ही में मैंने नेटफ्लिक्स पर रेड रोज नामक एक सीरीज को देखा है जो कि पिछले हफ्ते ही रिलीज हुई और इस सीरीज में कुल मिलाकर 8 एपिसोड्स हैं। इसलिए हम सीरीज की कहानी को 2 पार्ट्स में जानेंगे, जहां आज की वीडियो में हम पहले 4 एपिसोड्स की कहानी जानेंगे और अगली वीडियो कल या परसों ही आ जाएगी जिसमें हम बाकी के एपिसोड्स की कहानी को जानेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। पहले एपिसोड की कहानी में हम एलिसा नाम की लड़की से इंट्रोड्यूस होते हैं। एलिसा को फोन पर अपनी माँ का वॉइस मैसेज आता है जिसमें वो बताती है कि उन्हें आने में थोड़ी देर हो जाएगी। एलिसा काफी घबराई हुई दिखती है और अकेले घर पहुंचती है, लेकिन उसके घर पहुंचते ही कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। उसके लिविंग रूम के बाहर लाइट ऑन ऑफ होने लगता है, साथ ही टीवी पे स्टैटिक सिग्नल्स आने लग गए थे। एलिसा बहुत डर जाती है और प्रे करने लगती है कि उसकी माँ जल्द से जल्द घर वापस आ जाए। उसे अंदर से अपनी माँ की आवाज आती है, लेकिन अंदर आने पे कोई दिखाई नहीं देता। घर का सिक्योरिटी अलार्म भी ऑन हो गया था, जिससे वो काफी घबरा जाती है। और तभी अचानक से घर के अंदर सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स ऑन हो जाते हैं, जैसे कि म्यूजिक बजना, टीवी ऑन हो जाना इत्यादि। इस पॉइंट पे एलिसा की माँ उसे बाहर से पुकारती है, लेकिन एलिसा डर के मारे ऊपर टेरेस की तरफ भागती है। हम देखते हैं कि एलिसा की माँ बाहर चेक करने आती है, जहाँ उन्हें एलिसा की लाश मिलती है। यहाँ से कहानी 6 महीने बाद पड़ाती है और हम बोल्टन नाम के शहर में हैं। हम कुछ टीनेजर्स को देखते हैं जो सभी दोस्त हैं और अपने ग्रुप को डिक हेड्स बुलाते हैं। नाउ फॉर ऑब्वियस रीजंस मैं इस ग्रुप को हेड्स बुलाऊंगा। खैर, इस ग्रुप में है रॉच, रेन, एंथनी, नोआ और एशली। आज इन सबका आखिरी एग्जाम था, जिसके बाद सभी एक आउटडोर पार्टी के लिए आते हैं। यहाँ पार्टी में ताज या टैज, जो भी आप बोलते हैं, नाम का एक लड़का आता है जो इनके ग्रुप में इनवाइटेड नहीं था, लेकिन रॉच कहती है कि उसने ताज को इनवाइट किया है। वो ताज को अपने ग्रुप में ऐड कर लेती है और यहाँ रॉच को बेकी नाम की एक लड़की अपने पार्टी में बुलाती है और उसे इन्फॉर्म करती है कि पार्टी में आने का चार्ज 10 यूरोज है और उसे अच्छे कपड़े पहन कर आना है। इस पर रेन रॉच से कहती है कि वो उसकी मदद करेगी, लेकिन रॉच को ये बात अच्छी नहीं लगती। पार्टी में हम नोआ और रेन को साथ देखते हैं और ये देखकर भी रॉच अपसेट दिखती है। अब यहाँ रॉच सबसे अलग जाकर बैठ जाती है और तभी उसे बेकी के नंबर से एक मैसेज आता है, जिसमें उसे रेड रोज नाम की ऐप का लिंक मिलता है। रॉच उस ऐप को इंस्टॉल करती है और इस ऐप में रॉच का चेहरा एक स्माइलिंग फेस के तौर पर दिखता है, जो उसे काफी क्रीपी लगता है। अगले सीन में हम रॉज को अपने घर में देखते हैं, जहां वो अपने पिता विनी और अपनी 2 बहनें क्लेयर और नोरा के साथ रहती है। एज एन ऑडियंस हम रॉज के फैमिली इन्वॉल्वमेंट से और रूबरू होते हैं और ये फैमिली इकोनॉमिकल वीक है और घर का सारा ख्याल रॉच ही रखती है, क्योंकि उसकी माँ का कुछ साल पहले देहांत हो गया है। विनी कुछ दिन के लिए काम से बाहर जा रहा होता है और वो रॉज को कम्युनिटी हेल्प से सीरियल वगैरह लेने के लिए कहकर चला जाता है। आगे हम रॉज को एक बार फिर अपने दोस्तों के साथ देखते हैं और ये लोग अपने क्लास की एक स्टूडेंट जया से मिलती है। रॉज जया से पूछती है कि वो पार्टी में आएगी या नहीं, जिस पर जया बताती है कि उसे अपने दोस्तों से मिलने मैनचेस्टर जाना है, लेकिन रॉज को लगता है कि ये सिर्फ उसका बहाना है क्योंकि उसके कोई दोस्त ही नहीं है। वो जया का मजाक बनाकर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम ट्विंस बिग जेना और लिटिल जेना से भी मिलते हैं, जिनका काम लोगों को बुली करने का था। यहाँ ये लोग रेन को परेशान करते हैं, लेकिन रॉच उन्हें कन्फ्रंट करती है। अब हालांकि रॉच और रेन के बीच अभी भी प्रॉब्लम चल ही रही थी, बट स्टिल हाँ, रॉच का नहीं चाहिए ऐसा था। एनीवेज, घर पे रेड रोज ऐप रॉच से पूछती है कि क्या उसे मदद चाहिए, लेकिन रॉच को ये अजीब लगता है और वो मना कर देती है। दूसरी तरफ हम रेन को देखते हैं, जो अपनी मॉम से छुपकर अपने पिता रिक से मिलने आई है। रिक उसे कहता है कि उसे अपनी माँ को इस बारे में बता देना चाहिए, लेकिन रेन मना कर देती है। एनीवेज, रॉच के घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल ना पे होने की वजह से लाइट चली जाती है और वो फ्रस्ट्रेट होकर रेड रोज ऐप खोलती है। ऐप उसे फिर से पूछती है कि उसे कोई मदद चाहिए या नहीं, और इस बार रॉच हाँ कर देती है। ऐप रॉच को 3 विशेज अपने मिरर पे लिखने कहती है और रॉच लिखती है वेल्थ, पावर और रिस्पेक्ट। इसके बाद उसे एक कोट दोहराने को कहा जाता है, जो था रेड रोज रोज रेड, विल दिस थिंग आउट ऑफ माय हेड। रॉच ऐसा ही करती है और कुछ ही देर बाद घर की इलेक्ट्रिसिटी वापस आ जाती है। वो मीटर में चेक करती है, जहां 100 यूरोज का पेमेंट किया गया था। इसके बाद रॉच को रेड रोज पर मैसेज आता है, जिसमें वो ऐप उसका ख्याल रखने का वादा करती है। अगले दिन रॉच को घर के बाहर एक खूबसूरत ड्रेस और स्नीकर्स मिलते हैं, जिसके बारे में पूछने पर रॉच अपनी बहनों से कहती है कि ये उसे एक फेरी गॉड मदर ने दिए हैं। इस बारे में रॉच अपने FB पर भी पोस्ट डालती है और रॉच यहाँ से अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करने जाती है और उन्हें अपने नए शूज दिखाती है। रेन यहाँ रॉच से फिर से बात करने की कोशिश करती है और पूछती है कि उसे उसके और नोआ के रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इस पर रॉच कहती है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट वो उन दोनों को किस तक करने कहती है। अगले सीन में हम रॉच को अपनी बहनों के साथ जंगल में देखते हैं, जहाँ उसे ऐप पर एक मैसेज आता है जो उसे पूछता है कि क्या वो अभी बाहर है। इस पर रॉच कहती है हाँ। ऐप उसे आग जलाने को कहता है और रॉच ऐसा ही करती है, और तभी उसे अपने फोन का कैमरा ऑन दिखाई देता है, जिसमें वो एक इनविजिबल एंटिटी को अपनी माँ के रूप में बदलता हुआ देखती है।
रॉज इससे बहुत डर जाती है और अपनी बहनों को लेकर भाग जाती है। तो अगले सीन में हम रॉज और रन को देखते हैं जहां रन उसे कल के लिए माफी मांगने कहती है, लेकिन रॉज उसे उल्टा कन्फ्रंट करती है कि उसे अपनी माँ से छुपकर अपने पिता से नहीं मिलना चाहिए। इस बात पे उसका और रन का झगड़ा हो जाता है और रन रॉज की माँ का नाम ले लेती है। इस पर रॉज वहां से चली जाती है और रन की माँ को बता देती है कि वो रिक से मिल रही है। रिन की मां रेचल से कन्फ्रंट करती है सेइंग कि रिक ने बहुत गलत काम किए हैं और उसे उससे दूर रहना चाहिए। रेचल उसे रॉज से माफी मांगने भी कहती है। खैर, घर पहुंचकर रॉज अपनी मां की एक पुरानी वीडियो देख रही होती है जब उसे ऐप पर मैसेज आता है कि उसकी मां उसे याद करती है। तभी रिन रॉज को मैसेज करती है जिसमें वो उससे माफी मांगती है, लेकिन रॉज को कुछ और ही मैसेज मिलते हैं जिसमें रिन उसे उल्टा सीधा बोल रही थी। ये सब देखकर रॉज काफी परेशान होने लगती है। नेक्स्ट दिन रॉज फूड बैंक से खाना लेने जाती है जहां वो रिन को पार्टी में बात करने कहती है ताकि वो दोनों अपना झगड़ा सुलझा सके। रिन रॉज का मैसेज पाकर बहुत खुश हो जाती है और अपनी माँ से कहकर पार्टी में चली जाती है। इधर रॉज भी अपनी बहनों को घर में रहने के लिए कहकर बेकी के पार्टी के लिए निकलती है, लेकिन पार्टी में रॉज को रेड रोज से एक मैसेज आता है जो उसे नोआ को किस करने कहता है। रॉज ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन तभी वहाँ टीवी पर 2 मिनट के लिए रॉज का फूड बैंक वाला वीडियो आता है और रेड रोज ऐप उसे कहता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसके सभी दोस्तों को उसकी असलियत बता देगा। रॉज को मजबूरन नोआ को किस करना पड़ता है और ये सब एक लाइव कैमरा पे दिख जाता है जो रिन भी देख लेती है। रॉज वहां से अपने घर की तरफ भागती है कि तभी रेड रोज उसे कैमरा फुटेज दिखाती है जिसमें उसकी बहनों के पीछे उसकी मॉम खड़ी थी। रॉज की माँ यहाँ कहती है कि वो अब से क्लेयर और नोआ का ख्याल रखेगी, जिससे रॉज बहुत डर जाती है और घर की तरफ भागती है। यहीं पे पहला एपिसोड खत्म होता है। ना दूसरे एपिसोड के शुरुआत में रॉज घर पहुंचती है जहां उसे अपनी बहनें एक अलमारी में छुपी हुई मिलती हैं। क्लेयर और नोआ उसे बताते हैं कि उन्होंने गार्डन में किसी को देखा था। तभी रॉज को अपने कमरे से अपनी माँ के वीडियो की आवाज आती है और वो ऊपर जाती है जहां उसे अपना लैपटॉप ऑन दिखाई देता है। रॉज यहाँ अपना कैमरा ऑन करती है जिसमें एक बार फिर हम उसकी माँ ग्लोरिया को उसके पास खड़ा देखते हैं। रॉज बहुत डर जाती है और उस रात अपनी बहनों को अपने साथ कमरे में बंद कर लेती है। ना अगले दिन रॉज अपने पिता से ग्लोरिया के बारे में बातें करती है और हमें पता चलता है कि ग्लोरिया ने डिप्रेशन में आकर खुद को मार ली थी। विनी रॉज को समझाता है कि उसकी माँ के अपने कुछ प्रॉब्लम्स थे और उसे इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। इसके बाद विनी चला जाता है और रॉज एक बार फिर अकेली पड़ जाती है। रॉज के दोस्तों को भी उसका बिहेवियर अजीब लग रहा था। वहीं एंटनी रॉज को कन्फ्रंट करता है सेइंग कि वो उनके मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं दे रही, लेकिन रॉज कहती है कि उसे किसी का कोई मैसेज आया ही नहीं। वो रिन को भी एक हैंड रिटन लेटर भेजती है जिसमें वो उसे रेड रोज के बारे में सब कुछ बताती है और मिलने के लिए बुलाती है। तो रिन रॉज से मिलने तो आती है, लेकिन उसे लगता है कि सारी गलती रॉज की है और वो एक मनगढ़ंत कहानी बना रही है। रॉज उसे रेड रोज ऐप दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन ये ऐप अचानक से गायब हो जाता है और रिन को अपने शक पे और यकीन हो जाता है कि रॉज नाटक कर रही है। यहाँ रिन और रॉज का झगड़ा हो जाता है जिसमें रिन गलती से रॉज को धक्का तक दे देती है। जब रॉज वापस घर आती है तो देखती है कि किसी ने उसके और रॉज के झगड़े को फेसबुक पे पोस्ट कर दिया था। ऐप पर रॉज को मैसेज आता है कि अब वो बिल्कुल अकेली हो गई है, जिससे रॉज टूट जाती है। रिन और बाकी सभी दोस्त रॉज के अजीब बिहेवियर के बारे में बात करते हैं, जहां नोआ बताता है कि पार्टी वाले दिन भी रॉज ने नोआ को किस करते वक्त माफी मांगा था, सेइंग कि उसे ऐसा किसी रेड रोज की वजह से करना पड़ रहा है। लेकिन रिन को अभी भी यह सब रॉज का ड्रामा ही लग रहा था। वहां बाकी के दोस्तों को लगता है कि रॉज अपनी माँ की तरह ही डिप्रेशन में जा रही है। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रॉज के फादर और उसकी दोनों बहन कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं और विनी उसे भी साथ चलने को कहता है, लेकिन रॉज कहती है कि उसे यहाँ कोई काम है और वो अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, जिसके बाद वो लोग चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रोशेल या रॉज अपनी माँ के ग्रेव पर जाती है और पूछती है कि क्या वो सचमुच वापस आ गई है। इस पर रॉज के फोन का कैमरा वापस ऑन हो जाता है जहाँ ग्लोरिया कहती है कि वो उसके साथ ही रहने आई है और किसी भी रूप में आ सकती है। इस घटना से रॉज इतना डर जाती है कि वो चर्च जाकर अपना खुद का एग्जॉर्सिज्म करने की कोशिश करती है, लेकिन इस दौरान भी उसे कैमरा में अपने पीछे ग्लोरिया दिखाई देती है, जिससे वो बहुत डर जाती है। इसके बाद रॉज के सारे दोस्तों से मिलने उसके घर आते हैं, जहां हम एज एन ऑडियंस रॉज को बाथटब में देखते हैं, लेकिन घर के सारे लाइट्स वगैरह बंद थे, जिससे सभी को लगता है कि रॉज घर पर नहीं है। तभी रिन देखती है कि रॉज ने नए दोस्तों के बारे में फेसबुक पे पोस्ट किया है, जिससे वो बहुत अनॉय हो जाती है और सभी को लेकर वहां से चली जाती है। तो अगले दिन विनी और रॉज की बहनें ट्रिप से वापस आती हैं और घर का डोर ओपन करती है। उन्हें रॉज कहीं दिखाई नहीं देती और जब वो बाथरूम में चेक करती हैं तो उन्हें रॉज की लाश मिलती है, जो देख विनी बहुत शॉक्ड हो जाता है। अगले सीन में हम पूरे शहर को रॉज के फ्यूनरल में देखते हैं, जहां रिन सदमे में दिखाई दे रही थी और वो अचानक चीख उठती है कि रॉज ऐसा कुछ नहीं कर सकती। सभी दोस्त रिन को संभालते हैं, लेकिन टाउन के कई बच्चों को लग रहा था कि रिन की वजह से ही रॉज ने खुद को मारा है। ऑब्वियसली ऐसा लगना लाजमी था, क्योंकि सभी लोगों ने उनके झगड़े वाले पोस्ट को देखा था और सबको ये भी लगने लगा था कि रॉज और नोआ साथ में है और रिन उनके बीच आई थी।
नोआ और बाकी सब रन को समझाते हैं कि हो ना हो रॉस डिप्रेशन में थी और वो लोग समझ नहीं पाए, लेकिन रन अब भी कन्विंस नहीं है कि रॉस ऐसा कुछ कर सकती है। एंड सीन में हम रन के फ़ोन पर एक मैसेज आते देखते हैं जो रॉस के नंबर से आया था। इस मैसेज में लिखा था, रोजेज आर रेड, वॉलेट्स आर ब्लू, है इन द गार्डन, आई एम वेटिंग फॉर यू। साथ ही रेड रोज ऐप को डाउनलोड करने का लिंक भी था। रन उस ऐप को डाउनलोड करती है और कहती है कि वो पता करके रहेगी कि आखिर रॉस के साथ हुआ क्या है। यहीं पर दूसरा एपिसोड खत्म। अब तीसरे एपिसोड की शुरुआत में हम रन और नोआ को साथ देखते हैं। रन रॉश की तरह अपनी मिरर पर विश लिखती है जहां वो रॉश से बात करना चाहती है। तभी उसके कैमरा पे हम रॉश को देखते हैं। रन उसे देखकर बहुत डर जाती है, जिसके बाद नोआ उसे संभालता है और इसी वजह से वो उस रात वहीं रुकती है। नाउ अब ये ऐप रन के फेसबुक पे लगातार पोस्ट डालने लगती है जिसमें इसने मिरर पे रॉश से बात करने की बात लिखी थी और नोआ के साथ थी। इस वजह से टाउन के कई लोग इंक्लूडिंग बिग जना और लिटिल जना उसे अब्यूज करते हैं और कहते हैं कि उसी की वजह से रॉश मारी गई। अब रन के साथ भी रॉश की तरह अजीब घटनाएं होने लग गई थी और उसे बार बार रॉश की आवाज सुनाई देने लगती है। हम रन और रॉश के परिवार को भी स्ट्रगल करते देखते हैं क्योंकि कोई भी रॉश की मौत को एक्सेप्ट कर नहीं पा रहा था। रन तो इतना परेशान हो गई थी कि वो रॉश के ग्रेव पर जाकर माफी मांगती है, लेकिन रिक उसे समझाता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। इस पॉइंट पर रन अब बहुत तंग आ चुकी थी और वो अपने सभी दोस्तों को रेड रोज ऐप के साथ हुए अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताती है, लेकिन जब वो अपने दोस्तों को वो ऐप दिखाना चाहती है तब वो उसके फोन से गायब हो चुका था। अगले सीन में हम नोआ को देखते हैं जो जेना सिस्टर्स को मैसेज करती है कि वो रेन को ऑनलाइन बुली करना बंद कर दे। इसके लिए वो दोनों नोआ को मिलने बुलाती हैं। नोआ, रेन और बाकी सब वहां जाते हैं, लेकिन ये बिग जेना और लिटिल जेना का प्लान था जहां वो रेन को पब्लिकली ह्यूमिलिएट करती हैं। तभी सभी के फोन पे एक वीडियो आता है जब उसी टाइम का था जब रेन रॉश के ग्रेव पे माफी मांगने गई थी। जेना सिस्टर्स कहती है कि रेन अब भी रॉश के डेथ का इस्तेमाल कर रही है और उससे झगड़ने लगती है। सभी लोग यहाँ रेन को अक्यूज करते हैं सेइंग कि वो भी अपने पिता की तरह ही एक कातिल है। इस पॉइंट पे रिवील होता है कि रन के पिता रिक ने पास्ट में एक झगड़े के दौरान किसी का कत्ल कर दिया था और इसी वजह से उसका रेचल के साथ डिवोर्स हुआ था। रन और जेना सिस्टर्स की यहाँ लड़ाई हो जाती है जिसे कई लोग कैमरा में रिकॉर्ड कर लेते हैं। हम नोटिस करते हैं कि झगड़े के दौरान जया उनकी बातें सुन लेती है। आगे हम रात का सीन देखते हैं जहां रेन रेड रोज ऐप पर रॉश से बात करती है। रेन कहती है कि वो रॉश या रॉश नहीं हो सकती, लेकिन रॉश कहती है कि वो उसकी दोस्त ही है। इसके बाद रॉश रेन को अपने साथ गार्डन में आने के लिए इनवाइट करती है और बैकग्राउंड में हम देखते हैं कि रेन ने ये कॉन्वर्सेशन अपने सभी दोस्तों को सुना दी थी, जिसे सब समझ जाते हैं कि रेन अब तक सच कह रही थी। तो इस अपडेट पता लगाता है कि रेड रोज ऐप की वजह से 6 महीने पहले अभी तक एक लड़की की जान गई है जिसका नाम एलिसा था। उसी वक्त सभी दोस्तों को एक मैसेज आता है जो उन्हें सच जानने के लिए अगले ठीक 12 बजे मैनचेस्टर आने को कहता है। यहीं पे तीसरा एपिसोड भी समाप्त हो जाता है। अब चौथे एपिसोड के शुरुआत में हम 2013 का सीन देखते हैं जब सभी बच्चों की मॉम्स टी रूम नाम के कैफे में काम करती हैं। प्रेजेंट डे में यह कैफे रेन की मॉम रेचल का है। ग्लोरिया, रेचल और बाकी सब एक रात एक सियांस करने की कोशिश करते हैं जहां वो स्पिरिट से बात करेंगे। एक स्पिरिट यहाँ आती है जो कि अपना नाम बताती है टॉम। ग्लोरिया यह नाम सुनकर शॉक हो जाती है और कहती है कि टॉम उसके ग्रैंडफादर का नाम था। ग्लोरिया उस स्पिरिट से पूछती है कि क्या उसे अपने गलती का एहसास है। ये सुनकर यह स्पिरिट बहुत वायलेंट हो जाती है और सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। अब कहानी वापस प्रेजेंट टाइम पर आती है जहां सभी दोस्त रेड रोज के बारे में पता लगाने मैनचेस्टर जा रहे हैं। ऐप पर रेन को एक मैसेज आता है जो उसे कहता है कि वो अपना फोन ऑफ ना करे। मैनचेस्टर पहुंचकर सभी लोग वहां जया को मौजूद देखते हैं और जया बताती है कि उसी ने उन्हें यहां इनवाइट किया है क्योंकि वो रेड रोज के बारे में बहुत कुछ जानती है। वो कहती है कि इस ऐप के पास यूजर का कैमरा, इंटरनेट, सोशल मीडिया और पूरी की पूरी पर्सनल लाइफ का कंट्रोल होता है। तभी रेन को ऐप से एक नोटिफिकेशन मिलता है और जब वो उसे ऑन करती है तो उसे रॉश दिखाई देती है। रॉश रेन को उसे फॉलो करने कहती है और वो सभी लोग रेन के पीछे जाते हैं। यहाँ रॉश रेन को ल्योर करके एक टनल के अंदर लाती है और रेन ऑलमोस्ट एक ट्रेन के सामने गिरने वाली होती है, लेकिन नोआ उसे बचा लेता है। इसके बाद जया सभी लोगों को एक इंटरनेट कैफे में ले जाती है जहाँ वो काम करती है। जया उन्हें एक डेस्क दिखाती है जो जेकब नाम के लड़के का था। हम देखते हैं कि जेकब ने अपने डेस्क पे कई रेड रोजेस ड्रॉ किए हुए थे। जया कहती है कि जेकब भी रेड रोज की वजह से मारा गया था और वो एक बहुत अच्छा कोडर था। जब उसने उन लोगों को रॉश के रेड रोज से कनेक्टेड होने की बात सुनी, वो समझ गई कि जेकब का कनेक्शन भी इसी से रहा होगा, इसलिए वो उसका कोड कॉपी करके रेड रोज के बारे में पता लगाएगी। इसके लिए जया रेन का फोन ले लेती है और उसे ऑफ कर देती है। उधर रेन के घर में रेचल के साथ कुछ अजीब हादसे होने लगते हैं जहां उसे रेन के फोन से अजीब मैसेजेस आते हैं और उसका लैपटॉप ऑन दिखाई देता है। तभी रेचल के दरवाजे पर रिक
आता है, जिसे देखकर रेचल बहुत गुस्सा हो जाती है। रिक कहता है कि उसे रेन ने मैसेज करके यहाँ बुलाया है और एक वीडियो भी रेचल को दिखाता है जिसमें रेन और उसके दोस्तों की लड़ाई हुई थी। रिक का कहना था कि ये मैसेज उसे रेन ने ही भेजा है और उसे पूरा यकीन है कि रेन को उनकी मदद की जरूरत है। लेकिन रेचल यहाँ रिक पे गुस्सा होने लग जाती है और कहती है कि रेन उसकी वजह से वॉयलेंट हो गई है। दूसरी तरफ जया रेन और बाकी सबको जेकब के घर लाती है जहाँ ये लोग जेकब की माँ से मिलते हैं। वो इन्हें नहीं पहचानती लेकिन ये लोग बोलते हैं कि ये सभी जेकब के दोस्त हैं। जेकब की माँ यहाँ काफी इमोशनल होने लगती है जिसमें बाकी सभी लोग उन्हें संभालते हैं। वो सब बात करने में बिजी हो जाते हैं जबकि रेन और जया जेकब के रूम की तलाशी लेने लगते हैं। यहाँ जया देखती है कि किसी ने जेकब के सीपीयू वगैरह को जला दिया था जो कि बहुत अजीब था। रेन को जेकब के बुक में एलिसा की एक ड्रॉइंग मिलती है और वो कहती है कि जेकब एलिसा को जानता था। यहाँ जया एक डायरी खोलती है जहाँ उसे दिखाई देता है रेड रोज ऐप का सारा कोड। जी हाँ, जया समझ जाती है कि जेकब रेड रोज ऐप का विक्टिम नहीं था बल्कि उसी ने इस ऐप को बनाया था। तभी यहाँ जेकब के फादर आ जाते हैं और वो इन दोनों से पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। जया कहती है कि वो समझने की कोशिश कर रही है कि जेकब ने अपनी जान क्यों ली होगी, लेकिन अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इस पे जेकब के पिता कहते हैं कि उनका बेटा एक अच्छा इंसान नहीं था और उन्होंने उसके कंप्यूटर पे कुछ आपत्तिजनक चीजें देखी थी। हम देखते हैं कि अब ग्रुप वहां से निकल रहा है जब जेकब की माँ रिवील करती है कि उन्हें पता था कि वो सब जेकब के दोस्त नहीं हैं। जया और सभी लोग उनसे माफी मांगते हैं लेकिन वो कहती है कि उन्हें अपने बेटे के बारे में बात करके अच्छा लगा। हम देखते हैं कि जया ने जेकब की कोड वाली डायरी चुरा ली है। वहीं रेन को अपने फोन पर मैसेज मिलता है कि जेकब तुम्हारी मदद नहीं कर सकता क्योंकि वो रॉश के साथ ही गार्डन में है। ना वापस बोल्टन आते हुए रेन को रेड रोज एक मैसेज भेजता है जिसमें उसे जल्दी घर पहुंचने के लिए लिखा हुआ था। रेन के घर पर रेचल और रिक के बीच रेचल का बॉयफ्रेंड आ जाता है जिसका नाम था साइमन। साइमन और रिक की हाथापाई हो जाती है जिसमें साइमन को काफी चोट लग जाती है। इसी बीच यहाँ रेन आती है और रेचल उसे गुस्से में घर से निकाल देती है। ऐसे में रेन नोआ के घर जाती है जहाँ वो उसे संभालता है। दूसरी तरफ जया को जेकब के नंबर से फोन आता है जहाँ जेकब उसे कहता है कि उसे वो सब कुछ मिल गया जो वो ढूंढने उसके घर पर गई थी। इसके बाद जेकब कहता है कि रेन का समय अब खत्म हो चुका है। ये सुनकर जया बहुत डर जाती है और यहीं पे चौथे एपिसोड की कहानी खत्म हो जाती है। तो इस पॉइंट पे हमारे मन में कई सवाल है, लाइक ये रेड रोज ऐप क्या है, क्या यहाँ सच में कुछ स्पिरिचुअल है या फिर ये ऐप का कमाल है, जेकब का इससे क्या कनेक्शन है, एलिसा जेकब से कैसे कनेक्टेड थी इत्यादि। वेल, इन सब का सवाल आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा जो कि कल या परसों ही आ जाएगी, जो कि होने वाला है रेड रोज का पार्ट 2 और उसमें हम बचे हुए 4 एपिसोड्स के साथ साथ कुछ थियरीज पे भी बातें करेंगे। अब अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और अगर आप अगली वीडियो टाइप करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोज लाते रहते हैं।